नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं थ्योरेटिकल सम्राट यूट्यूब चैनल। फिर से एक बार हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, कोविड-19 से जुड़ा हर जानकारी के लिए प्रधानमंत्री जी जो ऐप लॉन्च किया है, आरोग्य सेतु जो एप्लीकेशन है, उसमें आपको कोविड-19 से जुड़ा हर जानकारी मिल जाएगा और हर रोज उसका अपडेट मिलते रहेगा। अरे फ्रेंड, सबसे आसान इसलिए है जो कोई भी भाषा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी भाषा लाए, फिर हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, इंडिया में जितना भी भाषा है, कोई भी भाषा इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और अपना भाषा में ये जानकारी ले सकते हैं। फ्रेंड, ये एप्लीकेशन ऐसा एक एप्लीकेशन है जो हर रोज का अपडेट तो देते रहेगा, फिर उसका हॉटस्पॉट कहाँ है, जहाँ पे कोई आदमी संक्रमित हो चुका है, उसका लोकेशन भी बता देगा। अगर आपका आसपास में कोई ऐसे संक्रमित आदमी आते, वो भी आपको बता देगा। इतना अच्छा एप्लीकेशन है। तो चलिए कैसे इस्तेमाल करते वो देख लेते। बहुत ही आसान, आप भी बहुत आसानी से इस्तेमाल कर पाओगे। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं बताया था, आपको ये प्ले स्टोर में मिल जाएगा, फिर आप चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर से भी आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते। तो इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद जो करना पड़ेगा वो आपको बता दें। सिंपली ओपन कर लेना एप्लीकेशन को। ओपन करने के बाद फ्रेंड, हर एक लैंग्वेज, हर एक भाषा आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो हमारा इंडिया में चलते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, कोई भी भाषा यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। अपना जो भाषा है वो चूज कर लेना। तो फ्रेंड, इधर से आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते। तो आपको समझाने के लिए मैं इंग्लिश चूज कर लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट कर देते। तो फ्रेंड, इसमें आपको थोड़ा बहुत यह मिल जाएगा, जैसे इस वन of us has a powered help prevent the spread of the coronavirus pandemic in India। मतलब ये बोल रहा है जो हमारा अंदर, हर किसी का अंदर एक कोरोना वायरस रोकने का क्षमता है। तो इसमें थोड़ा बहुत आपको यह मिल जाएगा, आपका जो जानकारी इसको मिल जाएगा फर्स्ट पेज में ही। तो ये मैं इंग्लिश अगर आपको नहीं आते तो आपका जैसे बोला आपका अपना भाषा यूज़ कर लेना तो अच्छा रहेगा। तो फिर नेक्स्ट कर देते फ्रेंड। नेक्स्ट करने के बाद आपको इधर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा सिंपल प्रोसेस है, कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे रजिस्टर पर क्लिक कर देना, फिर इधर में उसका टर्म्स एंड कंडीशन है, उसमें क्लिक करना पड़ेगा, एग्री करना पड़ेगा। तो नीचे में आई एग्री पर क्लिक कर देना। फिर अलाउ में आएगा आपको लोकेशन का, जो आप जो लोकेशन में है तो लोकेशन का अलाउ कर देना। आपको लोकेशन डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो गेस कर लेगा जीपीएस के माध्यम से। तो अलाउ कर देना। फिर ब्लूटूथ का भी अलाउ कर देना। इसके बाद में जो करना पड़ेगा फ्रेंड, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मोबाइल नंबर डाल देना। एंड सबमिट कर देना। एक ओटीपी भेजेगा फ्रेंड, ऑटोमेटिकली ये ले लेगा ओटीपी, आपको डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और इसके बाद में जो करेगा फ्रेंड, आपके पास थोड़ा सिंपल सा सवाल पूछेगा, जो जब आपका खुद का भाषा में यह कर लोगे तो आपको आसानी होगा, हर किसी को इंग्लिश नहीं आते। तो यहाँ पे फ्रेंड अब आपको बता देते हैं। पहले जो सवाल पूछेगा आपको, जेंडर पूछेगा, पुरुष है कि महिला है। तो मेल में क्लिक कर देना। फिर फुल नेम लिखने के लिए बोलेगा, तो लिख देना। नेक्स्ट कर देना। यहाँ पे एज पूछेगा, तो फ्रेंड आपका जो भी एज है वहाँ पे डाल देना। फिर यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन पूछेगा, जो आप काम क्या करते हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ है तो उसमें डाल देना, जैसे डॉक्टर, पुलिस, डिलीवरी बॉय, फिर होलसेलर, कुछ भी हो सकते हैं। अगर नहीं होगा तो नॉन ऑफ अबव में क्लिक कर देना। 30 दिन में कहाँ पे भी गया था क्या घूमने के लिए, तो आपको इधर में सिंपली नॉन कर देना, क्योंकि कहाँ पे भी नहीं गया। तो अगर आप कहाँ पे भी कोई भी बाहर कंट्री में गया है तो वहाँ पे हर कोई कंट्री का नाम आपको इधर से मिल जाएगा, तो उधर दे सकते हैं आप आसानी से। और उसके बाद फ्रेंड एरो कर देना। तो फिर आपके पास पहुँचेगा फ्रेंड, आप एज ए वॉलेंटियर हिसाब से स्वेच्छासेवक हिसाब से काम कर सकते, तो यस कर देना। तो फिर कॉन्फर्म सबमिट में क्लिक कर देना। तो यहाँ पे सबमिट कर देना। और यहाँ पे आपको बाद में पूछेगा, आर यू फीलिंग वेल, तो यस कर देना, क्योंकि बेटर सोच रहा है टेक 20 सेकेंड सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, तो यस कर देना। कि कोई भी टेस्ट अगर यहाँ पे करने के लिए बोले तो अच्छा है, मजा आएगा, तो यस में क्लिक कर देना। और यहाँ पे बोलेगा फ्रेंड, प्लीज गिव करेक्ट आंसर, तो ओके गॉट इट में क्लिक कर देना। तो फ्रेंड, पहले जो सवाल आपसे पूछा जाएगा, जैसे आपका कोई
सर्दी खांसी फिर सांस रुकने वाला कोई बीमार है आपको तो नॉन ऑफ द अबव दे देना। फिर आपको इधर में पूछेगा फ्रेंड हैव यू एवर हार्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से जैसे डायबिटीज हेपेटाइटिस फिर दोस्तों जो हार्ट डिजीज कोई बीमार है आपका तो यहाँ पे अगर आपको है तो दे सकते हैं, अगर नहीं है तो दे देना नॉन ऑफ द अबव, ऊपर में से एक भी नहीं है। और आपका पास फिर पूछेगा फ्रेंड हैव यू ट्रैवल एनीवेयर, अब 14 दिन के अंदर बाहर कहाँ पे भी गया तो आप अगर गया है तो जैसे बाहर कोई भी कंट्री में गया है कि नहीं, देश का अंदर कहाँ पे भी जा सकते ऐसा कोई नहीं, तो आपको यहाँ पे नो यस भी कर सकते हैं, अगर बाहर कहाँ पे भी गया तो यस भी कर सकते हैं, अगर नहीं गया तो नो कर देना। और फिर आपको पूछेगा फ्रेंड आई हैव रिसेंटली इंटरवल इन जो आपका रिसेंटली कोई भी कोरोना वायरस वाला संक्रमण जो वाला है उसका साथ आप मिला था तो यहाँ पे अगर कोई भी कोरोना संक्रमित इलाका पास गया तो यस कर देना, अगर नहीं गया तो नॉन अबव दे देना। और फिर आपको बोलेगा फ्रेंड आप घर से घर पर ही रहना कि आप पूरा के पूरा सुरक्षित है, फिर ओके कर देना आप। और इसका बाद में फ्रेंड इसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं है, ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है, जितना भी आपको पूरा हेल्पफुल है जैसे आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, वो पूरा जानकारी आपको इधर से मिल जाएगा। फिर नया नया अपडेट मिलने के लिए जैसे कोरोना वायरस का संक्रमण अभी मेरा देश में कितना है वो देखने के लिए फ्रेंड आप ये कोविड अपडेट में चला जाना क्लिक करना, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड इधर में दिख रहा है 12,380 हो गया है देश में कोरोना वायरस का संक्रमित, फिर रिकवर हो गया मतलब 1490 आदमी ठीक हो चुका है और फ्रेंड 414 आदमी का मौत हो चुका है। तो ऐसे कोई भी राज्यों में कोई भी स्टेट में कितना हो रहा है, कितना आदमी ठीक हो रहा है, फिर कितना आदमी को मौत हो रहा है, फिर कितना नया संक्रमित हो रहा है, तो पूरा के पूरा डिटेल्स आपको इधर से मिल जाएगा। आप कोई भी राज्यों का है फिर कोई भी राज्यों का देख सकते तो इधर से आसानी से देख सकते, लेकिन फ्रेंड इसमें सिर्फ हमारा इंडिया का ही देख सकते, बाहर का नहीं देख सकते। तो फ्रेंड ये बहुत ही आसानी से आपको इधर से मिल जाएगा, आपको पूरा के पूरा अपडेट मिलते रहेगा। और फिर और एक बात आपको नहीं बताया, जो आपको कोई भी जगह पे जाते जाते पहले से कोरोना संक्रमित एक पकड़े गए संक्रमित हो चुका है तो उधर में आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन भेज देगा जो इधर में आपको कोरोना वायरस संक्रमित मिला है। और फिर भी अगर कोई संक्रमित वाला अगर ये आप यूज़ करेगा वो आसपास में आएगा आपका तो नोटिफिकेशन भेज देगा जो आपका आसपास में कोई कोरोना संक्रमित आदमी है। तो बहुत ही अच्छा जो एप्लीकेशन है फ्रेंड, और कोई भी इतना आसान बना है कोई भी बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं, क्या खाना है क्या पीना है फुल इसका डिटेल्स में भी देगा, फिर वीडियो जैसे देख सकते हैं वीडियो भी शेयर कर रहे हैं इसके अंदर। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड, बाहर का जो अफवाह घूम रहे थे जो सच नहीं है जोर तो बताया जा रहा था तरह तरह का, तो हर कोई अगर ये ऐप यूज़ करने लग जाएगा तो बाहर का जो अफवाह है वो से आसानी से बच सकते हैं, सही जो जानकारी है वो हर किसी का तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड मैं तो यही रिकमेंड करूंगा जो हर कोई ये जो ऐप है ये इस्तेमाल करे, जो सही जानकारी आपका तक पहुंच जाए कि ऐसे आपातकाल ऐसा टाइम पे कोरोना काल में जो कोई भी अफवाह का शिकार ना हो और सही जानकारी आपको मिलता रहे। तो इसलिए फ्रेंड ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, ये जो एप्लीकेशन है और वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा आदमी की तरफ पहुँचेगा तो अच्छा करके कोई भी आदमी इस्तेमाल कर पाएगा। तो फ्रेंड इस तरह आप बहुत ही आसानी से एप्लीकेशन यूज़ कर सकते और इसका जो एप्लीकेशन का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा आपको उधर से भी ले सकते। और फिर भी कोई भी दिक्कत आपको हो रहा है तो मेरे को ज़रूर कमेंट्स करना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और कोई भी प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन भी निकाल दूंगा। तो फ्रेंड यूज़ करना, हमेशा सुरक्षित रहना, तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।